हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चहेते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, आशा करूंगा सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सबसे पहले मेरे सभी के सभी प्यारे मित्र कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी आवाज़ आप सभी मित्रों के पास पहुँच पा रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। क्या मेरी आवाज़ आप सभी मित्रों के पास पहुँच पा रही है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बच्चे, कमेंट करके बताएंगे। तो आज मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ने वाले 5 जनवरी का करेंट अफेयर, ठीक है। आज हम लोग मार्च का, ठीक है, जनवरी नहीं गुरु जी। तो आज बच्चे हम लोग 5 मार्च का करेंट अफेयर, ठीक है, साथ साथ हम लोग यहाँ पर एस्थेटिक चीज़ों को देखेंगे बहुत ही शानदार वाले, और बच्चे रिविजन, ठीक है, और बच्चे हम लोग रिविजन भी करेंगे। ये सब कहाँ पर होगा? आप सबकी प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास में। कहाँ बच्चे? आप सबकी प्यारी सी 360 डिग्री वाली क्लास है। एक बार कमेंट करके लिख देना 360 डिग्री। एक बार सभी के सभी मित्र कमेंट करके 360 डिग्री जल्दी से लिख दो, 360 डिग्री लिख दो सभी लोग एकदम शानदार तरीके से चलेगा। सबसे पहले कल का हम लोग रिवीजन करेंगे, हेडलाइंस ने लिया। हाँ, ध्यान रखिएगा बच्चे, आज से आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन की क्लास चालू हो जाएगी। तो परिश्रम 2-12 बैच आज से आपकी क्लास चलने लगेगी। 8 बजे से क्लास होगी, ठीक है। कल टाइम टेबल बता दिया गया 499 रुपये में। अभी थोड़ा सा कुछ बच्चों को दिक्कत आ रहा था लेने में, तब प्राइज नहीं बढ़ा है, याद रखा 499 रुपये का अभी भी है। सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लें, जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लें। लग चुकी है तलब मंजिल की, एक बार लिख दो वर्दी मेरी जान। चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सब लोग लिख दो वर्दी मेरी जान। चाहे जीडी वाले हो लिख दो गुरुजी अब की बार वर्दी लेकर आएंगे। 2023 आपके बेरोजगारी का आखिरी वर्ष था, 2024 में करके दिखाना है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हाल ही में किसने उड़ीसा के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडी सर्वे लॉन्च किया था? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ओडी सर्वे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते बच्चे, रूस ने किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा? तो पार्स 1 में बच्चे याद रखा किसका? यह ईरान का भेजा है। हाल ही में किस राज्य के राज्य में चापचारकूट त्यौहार मनाया गया? तो चापचारकूट त्यौहार की बात करते बच्चे, मिजोरम में मनाएगा। चापचारकूट त्यौहार की बात करता हूं तो मिजोरम में आपके चापचारकूट त्यौहार मनाया गया चलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में प्रथम स्थान किसने पाया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। कोई बता सकते हैं क्या बच्चे इसका शुभंकर क्या था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बता दीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन की बात करता बच्चे, कहाँ पर हुआ आयोजन? इसका गुवाहाटी में हुआ, ठीक है, आयोजन हुआ इसका गुवाहाटी में हुआ। अगर शुभंकर की बात करता हूँ तो अष्ट ऐसे मूर्ति कुछ करके था ना, अष्टमूर्ति करके एक था, ठीक है, तितली के आकार में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा? भारत का पहला, तो भारत का पहला बच्चे याद रहेगा धोरेला गुजरात करके जगह हो जाता, ठीक है, याद रहेगा बच्चे धोरेला गुजरात करके ये जगह हो जाता। यहाँ पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा। कुछ दिक्कत आ रही क्या? ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते बच्चे, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये अपने चाइना में होगा, अपने चाइना में नहीं होगा, ठीक है, मतलब चाइना में होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से एक समझौता साइन किया? श्रीलंका से किया, ठीक है, किसके साथ किया बच्चे? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कितना कौन सा चैनल अलग करता है, कौन सा जलसंधि अलग करता है, बताना तो थोड़ा, ठीक है। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में हाल ही में दूसरा वाणिज्यिक दूतावास संवाद हुआ? तो बच्चे याद रहेगा ये किसके साथ हुआ? तो ये हुआ बच्चे इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? तो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन झारखंड में किएगा। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन, तो झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस शहर में 21 फीट की महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हैदराबाद में, हैदराबाद में, जल्दी से छाप देना हैदराबाद कौन है नदी के किनारे। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाएगा? 3 मार्च को मनाएगा। ये था हमारा कब का
कल वाला रिवीजन था, कहीं कल वाला ही गलत तो नहीं कर दिए ना? अरे कहीं कल वाला तुमसे गलत तो नहीं हो रहा? फिर बोलोगे सर 2 महीना बाद क्या होगा, तो हम डेली पढ़ेंगे, अगले दिन रिवीजन करेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे, कैसे नहीं याद होगा, फिर मंथली भी रिवीजन करेंगे, कैसे नहीं याद होगा? अच्छा किसको किसको क्लास में याद होता है, एक अलग से कॉन्फिडेंट मिलता है, यस सर मजा आ जाता है अब तक करंट अफेयर साथ में पढ़कर। ठीक है चलेगा, स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का। उससे पहले मुश्किलें से कह दो, उलझा ना करें हमसे। याद रहेगा बच्चे हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। चलेगा स्टार्ट करते आज के पहले प्रश्न से। ठीक है स्टार्ट करते बच्चे आज के पहले प्रश्न से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या हो जाता है, शहबाज शरीफ किस देश के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है याद रहेगा शहबाज शरीफ, यहां पे पहले इनसे पहले की बात करता हूं, तो इनसे पहले की बात करता हूं, इनसे पहले यहां पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, पानी विकास गर्म थोड़ा सा, कार्यवाहक जो पीएम थे याद रहेगा तो अब्दुल अलहक कक्कड़ करके थे। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे अभी कुछ 2023 में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे बताएगा, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है तो याद रहेगा बच्चे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने थे, तो याद रहेगा अनवर उल हक कक्कड़ बने थे। ठीक है याद रहेगा बच्चे ये अनवर उल हक कक्कड़ की बात करता हूं, अनवर उल हक कक्कड़ बने थे। ठीक है अनवर उल हक कक्कड़ बने थे, और अनवर उल हक कक्कड़ के पहले भी ये भी थे शहबाज शरीफ थे, हम किसकी बात करें तो शहबाज शरीफ, देखो नाम में बस शरीफ लगा हुआ, शहबाज शरीफ जो कि नहीं है ये याद रहेगा पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ जो कि नहीं है यह पाकिस्तान के बच्चे, ये 24वें प्राइम मिनिस्टर के पद पर शामिल हुआ। ठीक है पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये बने हैं। अगर मैं आपसे वही बात करता हूं बच्चे, वही बात करता हूं, ये जो पाकिस्तान है पाकिस्तान की राजधानी मुद्रा तो बता दोगे ना, पाकिस्तान की राजधानी की बात कर देता हूं। ठीक है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है तो इस्लामाबाद की पाकिस्तान की राजधानी बात करता हूं, और यहां की जो मुद्रा हो जाती है, यहां की जो मुद्रा हो जाती है तो रुपया ही यहां की मुद्रा हो जाती है। ठीक है रुपया यहां की मुद्रा, यहां पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, तो आरिफ अलवी की बात करता हूं, यहां पर ये वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाते हैं। देखो आपसे सवाल पूछता है कि पाकिस्तान के पहले, अगर मान लो आपसे सवाल पूछेगा बच्चे कि पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे, क्या आप नहीं बता सकते हो क्या, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, बहुत बार पूछता है, पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, बहुत बार पूछता है। ठीक है पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पाकिस्तान के पहले, अरे बता सकते हो कि नहीं, ओ भैया ओ मोरे प्यारे लाल बता सकते हो कि नहीं, जल्दी से सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है तो पाकिस्तान के जो पहले बाबू याद रहेगा, जो पाकिस्तान के पहले अगर पीएम की बात करता हूं तो ये कौन थे, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान की बात करता हूं, बहुत बार ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, लियाकत अली खान। जबकि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति की बात करता हूं तो इस्कंदर मिर्जा। ठीक है याद रहेगा इस्कंदर मिर्जा की बात करता हूं, ये नीचे वाला दिख रहा है मैं बाबू, नीचे वाला दिख रहा है क्या, इस्कंदर मिर्जा, पहले राष्ट्रपति की बात करता हूं तो इस्कंदर मिर्जा, लियाकत अली खान की बात करता हूं पहले यहां पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है चलेगा आगे बढ़ जाए बच्चे, ये इतना चीजों को याद रखा, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता, राजधानी मुद्रा साथ में, देखो राजधानी मुद्रा आप लोग फिर बाद में बोलते हो सर राजधानी मुद्रा करा दीजिए, बच्चे सबसे पहले 90% वहीं पे चांस रहता है राजधानी मुद्रा पूछने के, जो देश चर्चा वगैरह में रहता है। चलेगा हाल ही में ये भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाते थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने, जल्दी से कमेंट करके बताएगा थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने। सबसे पहले तो देखिएगा अगर थर्मन शनमुगरत्नम की बात करता हूं ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं बच्चे याद रखा, तो सिंगापुर के, थर्मन शनमुगरत्नम की बात करता हूं सिंगापुर के। क्या साथ साथ हम इसकी राजधानी मुद्रा भी कर ले, क्या साथ साथ हम इसकी राजधानी मुद्रा भी कर ले, अगर बच्चे इसकी राजधानी की बात करता हूं, ठीक है इसकी राजधानी क्या हो जाती है और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है। ठीक है सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर की राजधानी की बात करता हूं सिंगापुर सिटी हो जाएगा, सिंगापुर की राजधानी की बात करता हूं तो सिंगापुर सिटी हो जाएगा, और यहां की मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर करके हो जाएगा। ठीक है तो सिंगापुर डॉलर करके इसकी क्या हो जाएगी, आपकी मुद्रा हो जाएगी। चलिएगा अगला सवाल,
हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री, थाईलैंड की भी राजधानी मुद्रा देख लेते हैं पहले, तब तक आप पीएम का नाम बताएगा। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? बैंकॉक, ये तो तुम नहीं भूलोगे। अरे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक नहीं भूलोगे, ठीक है। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो सपना देखते थे गोवा जाने का, नहीं पहले पढ़ा करते थे तो सपना हमारा टूटता था गोवा जाने का, अब कहाँ जाने का सपना टूटता? थाईलैंड का, ठीक है। चलिएगा, ये पट्टी थोड़ा गड़बड़ चल रहा मुझे लग रहा, ठीक है। तो थाईलैंड की राजधानी की बात करता हूँ बच्चे, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। जबकि थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाती है? थाईलैंड की मुद्रा की बात करता हूँ बहत, थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाती है? बहत। और यहाँ के जो वर्तमान में बच्चे याद रखा, श्रेथा थावेसिन करके, यहाँ के जो पीएम बने कौन बने? तो श्रेथा, श्रेथा थावेसिन, श्रेथा थावेसिन की बात करता हूँ, थावेसिन की बात करता हूँ, ये यहाँ के पीएम बने, श्रेथा थावेसिन की बात करता हूँ, ये यहाँ के पीएम बने। चलेगा आगे बढ़ते बच्चे, नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने? तो अगर मैं बात करता हूँ, ये पड़ोसी देश है अपना नेपाल, इसकी भी राजधानी मुद्रा बहुत ही अच्छे से आप बता सकते हो। नेपाल की राजधानी की बात करता हूँ काठमांडू, नेपाल की राजधानी की बात करता हूँ काठमांडू हो जाता है। यहाँ की मुद्रा की बात करता हूँ बच्चे क्या हो गया? तो रुपया हो गया, ठीक है, यहाँ की मुद्रा रुपया हो गया। यहाँ के जो राष्ट्रपति बने, देखो जो नेपाल है, नेपाल के 2023 में राष्ट्रपति भी नए बने थे, प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं बने थे, ठीक है। तो देखो नेपाल के अगर मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहले देख लो, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने हैं, और यहाँ पर तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। ये तीनों बता सकते हैं क्या आप नेपाल के बारे में? ये तीनों बता सकते हैं क्या? पट्टी में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। इन तीनों में कुछ बता सकते हैं क्या बच्चे? इन तीनों बता सकते क्या? देखो तो नेपाल के जो पीएम बने थे उनका नाम होता पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल। बाबू पट्टी आकर देख लो, गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। पुष्प कमल दहल जिसको प्रचंड, ठीक है। राष्ट्रपति की राम बात करता हूं रामचंद्र पोडोल, राष्ट्रपति की बात करता हूं रामचंद्र पोडोल की बात कर देता हूं, और उपराष्ट्रपति की बात करता हूं राम सहाय प्रसाद यादव, राम सहाय प्रसाद यादव की बात करता हूं, राम साहेब प्रसाद यादव की बात करता हूँ, ठीक है। हुन मनेट किस देश के बच्चे याद रखा प्रधानमंत्री बने? हुन मनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? इनके पापा थे हुन सेन, हुन सेन के, हुन सेन के बच्चे याद रखा, हुन सेन के 40 सालों के इस्तीफा के बाद, 40 साल के बाद इस्तीफा दिए। और हुन मनेट की बात करता हूँ बच्चे याद रखा कंबोडिया, कंबोडिया साइड में लिख लोगे, सवाल पूछेगा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने 40 साल के बाद इस्तीफा दिया? तो इनके पापा बच्चे याद रहेगा 40 साल बाद इस्तीफा दिया, तो उसके बाद अगर बच्चे याद रहेगा था कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी की बात कर देता हूँ, कंबोडिया की राजधानी की बात करता हूँ तो नोम पेन करके हो जाता, ठीक है, नोम पेन करके हो जाता। और यहाँ की मुद्रा की बात कर देता हूँ, इसकी मुद्रा की बात करता हूँ रियाल हो जाता, ठीक है, इसकी मुद्रा रियाल हो जाती। चलेगा आगे बढ़ते, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू की बात करता हूँ बच्चे, पड़ोसी देश बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन। अरे नलायको ये गलत कर रहे हो क्या? ये भी गलत कर रहे हो क्या? ब्राइटनेस थोड़ा सही। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू कहाँ पे बच्चे? बांग्लादेश के। राजधानी मुद्रा की बात करता हूँ ढक्का टक्का, ढक्का टक्का। बांग्लादेश की राजधानी की बात करता हूँ बच्चे याद रखा ढक्का हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा की बात करता हूँ क्या हो गया? टक्का हो गया, ठीक है। चलेगा हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो ये जनवरी 2024 की ही बात है, जनवरी 2024 की बात है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। और फ्रांस के राजधानी मुद्रा तो याद करना एकदम बनता है, क्यों? 26 जनवरी 2024 में जो गणतंत्र दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे बच्चे याद रखा मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नाम बता सकते हो क्या? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है बच्चे जो गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि आते? यहाँ पे 26 जनवरी ये आपसे क्या पूछा बच्चे याद रहेगा? फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पूछा, फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में। तो पेरिस तो इसकी राजधानी हो जाती है, फ्रांस की राजधानी की बात करूंगा पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की राजधानी की बात करता हूँ बच्चे याद रहेगा पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है। और बच्चे यहाँ की मुद्रा की बात करता हूँ तो याद रहेगा यूरो हो जाता है, ठीक है, मुद्रा यूरो। अब फ्रांस के बच्चे अगर दोस्त मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, फ्रांस के पीएम की बात करता हूँ तो यहाँ के पीएम कौन बने हाल ही में? तो याद रखा बच्चे गैब्रियल अटेल करके बने, ठीक है, गैब्रियल अटोल करके, ठीक है, याद रखा बच्चे, तो गैब्रियल अटेल करके बने हैं, अटेल करके बने हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है जो मुख्य अतिथि भी थे 26 जनवरी पे? तो याद रखा इमैनुअल मैक्रोन करके, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन,
तो इमैनुअल मैक्रोन करके ये बच्चे यहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति थे। इमैनुअल मैक्रोन करके ये यहाँ पे राष्ट्रपति। अरे लिखने से पढ़ने से डर तो नहीं रहे हो ना, ब्राइटनेस कम कैसे हो गया, लिखने पढ़ने से डर तो नहीं रहे हो ना, बताओ। तो लगभग 6-7 देशों की राजधानी मुद्रा वहां के प्रधानमंत्री वाले एडिटर वाले भैया, ठीक है सुजीत जी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है चलेगा। तो ये सारी की सारी चीज याद रहेगा, और ये जरूर याद रहेगा बच्चे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट रहे थे, ठीक है, यहां पे क्या रहे थे, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के तौर पर ये रहे थे, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम लोग नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग नाटो बोलते हैं, नाटो का 32वां सदस्य कौन होगा, विच विल बी द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो, विच विल बी द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो तो ध्यान सुनेगा, सबसे पहले नाटो की बात करता है, किसके बारे में बच्चे, नाटो। नाटो जब मैं नाटो के बारे में बात करता हूं तो नाटो का गठन कब हुआ बता सकते हो क्या, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब बच्चे मैं नाटो का बात करता हूं तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ध्यान रखें बच्चे, इसका गठन 4 अप्रैल 1949 में क्या होता, इसका गठन होता, जो गठन हुआ था कहां पर हुआ था, वाशिंगटन डीसी में, ध्यान रहेगा वाशिंगटन डीसी में, गठन इसका वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, गठन कहां पर हुआ था, मुख्यालय कहां पर रहता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में, इसकी मुख्यालय की बात करते हो तो इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ध्यान रहेगा बच्चे, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाता। वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल महासचिव है, याद रहेगा जेन्स स्टोल्टेनबर्ग करके हो जाते हैं, ठीक है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, नहीं पूछ सकता क्योंकि 2021 में बने थे, स्टोल्टेनबर्ग करके। हालांकि आपसे जरूर यह सवाल पूछेगा कि नाटो में वर्तमान में देखो ये 32वां सदस्य कौन होगा, तो यहां पे बच्चे जो वर्तमान में सदस्य है, यहां पे जो वर्तमान में 31st सदस्य है, और इसका जो सबसे नवीनतम सदस्य है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना, पिछले साल ही बना नाटो का 31वां सदस्य, नाटो का सबसे 31वां नवीनतम 31वें सदस्य की बात करते हो कौन जाता, विच इज द 31st मेंबर ऑफ द नाटो, तो नाटो का 31वां सदस्य की बात करता हूँ बच्चे फिनलैंड बना, नाटो का 31वां सदस्य की बात करता हूँ फिनलैंड बना। अब ध्यान रखे बच्चे, इसका जो 32वें सदस्य के लिए बातचीत की जा रही है स्वीडन को, जब फिनलैंड को शामिल किया गया, फिनलैंड को शामिल किया गया था तब बच्चे याद रहेगा क्या किया गया था, तभी बोला गया था कि ये स्वीडन भी बनेगा, लेकिन किसी कारणवश उस समय स्वीडन इसका परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया था। 2021 से ही लगभग ये सारी चीजें बातचीत चल रही है चलेगा। अगर पूछेगा बच्चे नाटो के स्थापना के समय में कितने देश शामिल थे, तो वर्तमान में तो 31 हो गए, नाटो के स्थापना के समय में 12 देश थे। हाउ मेनी कंट्री वर देयर इन द फाउंडेशन ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाटो, तो बच्चे कितने देश थे, 12 देश थे। वर्तमान समय में कितने देश हो गए, तो 31 हो गए, ठीक है 31st हो गए हैं। नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य फिनलैंड, नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य की बात करता हूँ फिनलैंड हो गया, ये बेसिक चीज आपको पता चला। नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य की बात करता हूँ बच्चे अदरगा, हाँ 2021 में बन रहे थे। देखो ये नहीं होता कि तुरंत बन जाते हैं भाई, समय लगता है सारी की सारी चीजें। मान लो तुम्हारे घर पे शादी वोदी होती या तुम्हारी जब शादी होगी तो ये थोड़े कि आज जाओगे जयमाल डालोगे शादी वोदी हो गया, थोड़ा सा समय लगेगा। तुम्हारे घर वाले जाएंगे पहले, उनके घर वाले आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बातचीत होगा, फिर उसके बाद तुम भी एक बार मिलने की कोशिश करोगे कि थोड़ा जानकारी प्राप्त करें, फिर धीरे धीरे बातचीत चलती रहेगी, फिर उसके बाद लगन होगा, ये फलाना ढिकाना बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, फिर तब जाके फाइनल शादी वोदी होगा, ठीक है। तो ये समय वगैरह, फिर लास्ट जाते जाते तक पता चलता है कि कुछ गड़बड़ निकल गए, तुम्हारी पुराने कांड पता चल गए, तो फिर शादी भी टूट जाती। तो वही कुछ हुआ था कि न्यूजीलैंड वो फिनलैंड को, वो यहाँ पे स्वीडन को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है समझ रहे हो ना, निजी जिंदगी से रिलेट करो, हाँ चलेगा। तो फिनलैंड बना था। नाटो शिखर सम्मेलन, ध्यान रखे बच्चे, ये जो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, देखो नाटो शिखर सम्मेलन अगर 2023 की बात करता हूं, 2023 वाला कहां पर हुआ था, तो विल्नस करके एक जगह है, ठीक है विल्नस करके बच्चे, ये लिथुआनिया, विल्नस बच्चे लिथुआनिया में
नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 वाला विल्नस करके लिथुआनिया में। 2024 वाला ये जून में होगा, कहां पर होगा बच्चे, वाशिंगटन डीसी में। कहां पर होगा, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में ये जून 2024 में होगा, ठीक है, जून 2024 में। ये सभी के जो सभी सैन्य अभ्यास है, ये जो सभी के सभी बच्चे जो आपके पास सैन्य अभ्यास दिख रहा है नाटो के द्वारा होगा। स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये सभी के सभी सैन्य अभ्यास नाटो के देश भाग लेते हैं नाटो के द्वारा। अच्छा, कुछ कुछ तो सैन्य अभ्यास क्या होता है, कुछ कुछ तो सैन्य अभ्यास की बात करता हूँ, कहाँ पर जाता है बच्चे, तो ये कुछ कुछ सैन्य अभ्यास की बात करता हूँ तो मल्टीलेटर है, तो अलग अलग जगहों पर होता, लेकिन कुछ का मेजबान, जैसे कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर हार्डली में नाटो के द्वारा, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, अच्छा दो बार हो गया, ठीक है, एयर डिफेंडर 2023, ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है नाटो का। एयर डिफेंडर 2023 सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है, और एयर डिफेंडर 2023 का मेजबानी किसने किया था, एयर डिफेंडर 2023 के मेजबानी की बात करता हूँ, ये जर्मनी ने किया था। किसने किया था बच्चे, जर्मनी ने किया था। चलेगा, लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास, ठीक है, लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास की बात करता हूँ। लॉक्ड शील्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया था, लॉक्ड शील्ड का आयोजन तो तालिन करके जगह हो जाता है। तालिन किस देश की राजधानी हो जाती है, तालिन किस देश की राजधानी हो जाती है, ठीक है बताएगा बच्चे, तालिन किस देश की राजधानी हो जाती है, तालिन एस्टोनिया की शायद हो जाती है ना, एस्टोनिया, ठीक है। तो याद रखो बच्चे, लॉक्ड शील्ड का कहां पर आयोजन किया गया था, तालिन, ठीक है, तालिन करके बच्चे याद रखा, एस्टोनिया में, ठीक है, तालिन एस्टोनिया में, तालिन एस्टोनिया में। तो ये सभी सवाल पूछ सकता है कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर किसके द्वारा किया जाता है, ब्रिक्स के द्वारा किया जाता है, नाटो के द्वारा किए जाते हैं, G20 के द्वारा, ये सारी की सारी चीजें पूछ सकता है। तो ये कुछ नाटो से संबंधित बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत यहां पर, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था, तो बात ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक्स में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया था। ये एग्जैक्ट सवाल आपसे यूपी पुलिस में पूछा हुआ था, जो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया, ठीक है, पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। अच्छा, योगी जी एक बात बोल रहे हैं, जिसने जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, योगी जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बताओ बताओ, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, योगी जी बड़ा सही बोल रहे हैं। लेकिन योगी जी, हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, समय समय पे वैकेंसी लाएं, और जो पेपर लीक होता है इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। अब यहां पे ना तुम सरकार के वो मत देखो, जो गलत है गलत को एक्सेप्ट करना, आप लोग को बोलना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को, इतने वैकेंसी आप टाइम से लाए ना, हर चीजों को बच्चे यहां पे खुश हो गए, ठीक है, चलेगा छोड़िए। लेकिन ये सच्चाई बच्चे, इस बात को भारत में, इस बात को लेकर किसी भी राज्य की बात करता हूं, किसी भी राज्य की बात करता हूं, इसमें देखिएगा पेपर, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह पेपर लीक हो रहे भाई, चलेगा। तो ब्रिक्स में देखिएगा बच्चे क्या हो गया, ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाले थे, कौन कौन से शामिल होने वाले थे, तो आपको बताया था AIM, ठीक है, ध्यान रहेगा AIM बताए, आपको बताया था अर्जेंटीना, ये ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाले थे, अर्जेंटीना शामिल होने वाला था, इथियोपिया की बात करता हूं शामिल होने वाला था, इथियोपिया की बात करता हूं, ठीक है बच्चे, मिस्र की बात करता हूं शामिल होने वाला था, ईरान की बात करता हूं, सऊदी अरब की बात करता हूं और बच्चे यूएई की बात में, ये 6 देश को बोला गया था ये ब्रिक्स में शामिल होगा। लेकिन 6 देशों में से किस देश ने मना कर दिया, तो ये जो अर्जेंटीना हो जाता बच्चे, इसने मना कर दिया। तो हाल ही में किस देश ने मना कर दिया ब्रिक्स में शामिल होने के, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। किसने शामिल कर दिया है, अर्जेंटीना ने। एक बार कि आप गलत बोल रहे हो बाबू, देखो बात तो वही है ना, कि आप गलत को गलत, देखो मैं क्या ही बोलूं, आप ना कभी भी आप पढ़े लिखो मत जाइए, कांग्रेस मत जाइए, बीजेपी, आप देखिए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है, समझ रहे मेरी बातों को, समझिए बच्चे, आप अपने लिए काम जिससे करवा सकते हैं, जो आपके लिए काम करेगा वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा,
आप समझदार बनिए, ठीक है, चलिएगा। तो ब्रिक्स में शामिल होने से मना किसने कर दिया था बच्चे? ये आपको अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, ठीक है, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। ये इस बात को, ये एग्जैक्ट यूपी पुलिस में पूछा हुआ था ना, ये एग्जैक्ट यूपी पुलिस में पूछा हुआ था, ठीक है। हम तो बने कि कोई भी बने 100 साल तक रहे लेकिन मस्त काम करे, हमारा तो देखो यही है, हमारे लिए वैकेंसी निकालते रहे, बच्चे मस्त पढ़ते रहे, जॉब लगते रहे। 11 का बच्चा वाला फर्स्ट शिफ्ट का है, चलो किसी भी शिफ्ट का होगा इतना मुझे याद नहीं, लेकिन ये आया हुआ था, चलेगा। आगे बढ़ते बच्चे, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज आयोजित किया गया? हाल ही में सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच में किया गया? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। चलो आपको हिंट के लिए बता दूं, इस देश के साथ पहले याद रहेगा, और भी सैन्य अभ्यास पढ़ाया हूं, उदार शक्ति, ठीक है, उदार शक्ति के बारे में पढ़ाया, उदार शक्ति और बच्चे हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति, हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति की बात करता हूं, ये भी बच्चे इस देश के साथ सैन्य अभ्यास हो जाता है। उदार शक्ति, हरिमऊ शक्ति की बात करता हूं, ये भी इस देश के साथ सैन्य अभ्यास हो जाता है। बता सकते हो मैं किस देश की बात करता हूं? मलेशिया। किस देश की बात कर रहा हूं बच्चे? मलेशिया। तो मलेशिया के साथ सैन्य अभ्यास बच्चे याद रह गया, कौन सा किया गया? तो याद रहेगा समुद्र लक्ष्मण, ये कहां पर किया गया? तो विशाखापट्टनम तट पे, याद रहेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तट पे किया गया, ठीक है, विशाखापट्टनम तट पे किया गया सेना के द्वारा, ठीक है, विशाखापट्टनम तट नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर मलेशिया की बात करता हूं, अगर दोस्त इसकी बात कर ले तो राजधानी, मलेशिया की राजधानी की बात करता हूं तो कुआलालंपुर हो जाता, ठीक है, कुआलालंपुर की बात करता हूं, ये मलेशिया की राजधानी हो जाती है। जबकि मलेशिया की मुद्रा मेरे प्यारे लाल क्या हो जाता? तो रिंगिट, ठीक है, तो रिंगिट की बात करता हूं, रिंगिट, ठीक है, रिंगिट की बात करता हूं बच्चे, याद रहेगा रिंगिट की बात करता हूं, ठीक है, अरे यार रिंगिट की बात करता बच्चे, याद रहेगा यहां की क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। रिंगिट की बात कर देता हूं, यहां की क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। और यहां के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम करके, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन जाते हैं? अनवर इब्राहिम, पिछले साल बने थे, जनवरी फरवरी की बात है, इब्राहिम, अनवर इब्राहिम करके बात कर देता हूं, यहां के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अनवर इब्राहिम की बात करता हूं बच्चे, मलेशिया की क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। अनवर इब्राहिम, क्वालालंपुर, रिंगिट, अनवर इब्राहिम करके, ये यहां पर क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर आपके हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखिएगा, तो ये कहां पर किया गया आपको बता दिया। अब पूछेगा मलेशिया देश कहां पर, ये तीसरा संस्करण है, ठीक है, तीसरा संस्करण है। पूछेगा मलेशिया देश कहां पर है, जब कोई देश वगैरह पूछेगा तो आपको हमेशा भारत के संदर्भ में याद रखना, ठीक है, यहां पर आपके भारत हो गया। तो भारत के किस डायरेक्शन में मलेशिया आ रहा है? तो भारत क्या देगा बच्चे? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये आसियान का हिस्सा हो जाता है। तो मलेशिया को देखोगे तो ये दो भागों में ऐसे बटा हुआ मलेशिया, ठीक है, मलेशिया दो भागों में। मैप वाले जो बच्चे क्लास नहीं, मैप वाली जो क्लास नहीं लिए ले लेंगे, हो सकता कि आज बच्चे आपकी यूट्यूब पर डेमो ना हो, हो सकता क्या नहीं होगी, अब डेमो वगैरह होगी, अब डायरेक्ट आपको क्लास में मिलेंगे। और क्लास की बच्चे मैप वाली क्लास की टाइम में थोड़ा सा बदलाव है, मैप वाली क्लास की टाइम में थोड़ा सा बदलाव बच्चे, तो ये आपको मलेशिया हो जाते हैं। मलेशिया से बच्चे दो देश आपको लगे हुए बताया था, एक देश यहां पर था जिसको बोलता हूं सिंगापुर, और एक देश यहां पर बच्चे ब्रुनेई। तो मलेशिया से दो देश लगे हुए, मलेशिया से दो देश लगे हुए। बाबू मैप की जो क्लास ली हो आपको मैं बता देता हूं किस टाइम पे होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बजे दूसरी क्लास। बाबू मैप वाले जो लोग हैं एक बार मैप बता देंगे। सर कितने मंथ तक की करंट करें? 1 साल का पूरा, 4 से 3 है, अच्छा 12 बजे चल रहा, ठीक है, 3 बजे से बच्चे मैप की क्लास, कितने बजे से? 3 बजे से, उस समय बायो वगैरह क्लास चलेगी तो साथ में कर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन पे जो मैप की क्लास होगी बच्चे कितने बजे से होगी? 3 बजे से, लगभग 40 मिनट की क्लास हुआ करेगी, ठीक है, लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास हुआ करेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला बच्चे, याद रहेगा थोड़ा सा जूम किया तो मैंने बोला यहाँ पर बच्चे आपका सिंगापुर है, यहाँ पर सिंगापुर है। मेरा सवाल आपसे, मलेशिया को सिंगापुर से कौन सा जल संधि अलग करता है? मलेशिया और सिंगापुर को कौन सा जल संधि अलग करता है? मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में कौन सा जल संधि है? सिंगापुर और बच्चे मलेशिया के बीच में, और मलेशिया के बीच में, सिंगापुर और मलेशिया के बीच
कौन सी जल संधि पूछा, कौन सी जल संधि हो जाती है बताएगा। मलेशिया और सिंगा के बीच पूर्व में कौन सी जल संधि हो जाती है, तो ये वाली जल संधि की बात की है, जोहर जल संधि। कौन सी जल संधि बच्चे, जोहर जल संधि हो जाती है, जोहर जल संधि। कौन सी जल संधि, तो जोहर जल संधि कौन से दो देशों को अलग करता, जोहर जल संधि मलेशिया और सिंगापुर को अलग करता। जोहर जल संधि बच्चे याद रखा किसको अलग करता है, मलेशिया और सिंगापुर को जोहर जल संधि अलग करता है। चलेगा भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन ये भारत और मलेशिया के बीच में, मैंने आपसे बोला हरिमऊ शक्ति उदार शक्ति, उदार शक्ति तो 2023 में नहीं देखने को मिला था, हरिमऊ शक्ति देखने को मिला था। तो जो सैन्याभ्यास भारत में होता है वो जगह आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, जगह याद करना पड़ता है। तो हरिमऊ शक्ति याद रहेगा बच्चे, ये भारत और मलेशिया के बीच में उमरोई मेघालय में, ठीक है, उमरोई मेघालय में कहां पर हुआ था, उमरोई मेघालय में हुआ था, उमरोई मेघालय में, भारत और मलेशिया के बीच में उमरोई मेघालय में होता है। सैन्याभ्यास ये 10 दिन पहले की लगभग बात है। सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में और कहां पर हुआ, तो सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन अगर बच्चे 2024 की बात करता हूं, ये जापान के साथ, अब यही पे सवाल पूछ लिया मैंने, भारत और जापान के बीच में सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहां पर हुआ, भारत और जापान के बीच में सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहां पर हुआ बता सकते क्या, सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और जापान के बीच में कहां पर हुआ था, तो बच्चे याद रखा ये राजस्थान में, ठीक है, ये कहां पर हुआ था, तो ये आपके हुआ था राजस्थान में, राजस्थान में। अब एक सवाल पूछूंगा और लगभग मुझे लगता है 26 या 27 तारीख को पढ़ाऊं, देखो मैं 26 27 तारीख को भी सैन्याभ्यास 2024 वाला कराया था, बात क्या है ना, आप डेली क्लास में रहिए, आपको सारी चीजें मैं याद करवाते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें रिपीट होते रहती है। अब देखता हूं इसका सवाल कौन बता सकता, दोस्ती अभ्यास 2024, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दोस्ती अभ्यास 2024 में पर्यवेक्षक देश कौन सा था जो मालदीव श्रीलंका और मालदीव भारत श्रीलंका के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रहेगा ये जो दोस्ती सैन्य अभ्यास से तीन देश यहाँ पे भाग लेते हैं कौन कौन से, तो भारत भाग लेता है, मालदीव भाग लेता है, भारत मालदीव और प्लस में बच्चे याद रहेगा श्रीलंका भाग लेता है, ठीक है, श्रीलंका। लेकिन आपसे सवाल पूछा एक यहाँ पे 2024 में ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन सा था, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन सा था बताना, अब वो क्लास को शेयर करके थोड़ा सा 2000 साथियों तक ले जाओ, तुम ना गुरुजी से थोड़ा सा प्यार ही नहीं करते, मतलब कि मुझे बड़ा खराब लगता है कि कम से कम मेरे व्हाट्सएप की बात करता हूँ पर्सनल, लगभग 100 बच्चे जुड़े होंगे, लगभग कम से कम मैं देखता हूँ उसमें 4 या 5 मिंगस्कूल से 10 लोग ही क्लास को शेयर करते हैं, अरे कम से कम स्टेटस लगा लिया करो। ठीक है, तो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में कौन सा जुड़ा था बच्चे याद रखा, तो यहां पर बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश की बात करता हूं तो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ा था। अच्छा 2024 में जो सैन्याभ्यास हुआ एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, 2024 में जो सैन्याभ्यास हुआ फिर से रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, 2024 वाला सैन्याभ्यास, 2024 वाला सैन्याभ्यास की बात करता हूं कौन कौन से, अगर देशों की बात करता हूं, देश वाला की बात करता हूं, ठीक है, चलेगा। अभ्यास अयोध्या की बात करता भारत और किस देश के बीच में, ठीक है, अभ्यास अयोध्या, अभ्यास बच्चे अयोध्या की बात करता भारत और किस देश में, ठीक है, अभ्यास अयोध्या की बात करता भारत और किस देश में, अभ्यास अयोध्या की बात करता बच्चे याद रखा भारत और किस देश के बीच में सैन्याभ्यास हुआ, अभ्यास सहयोग का आयोजन तो आपको बता ही दिया, सहयोग का आयोजन भी हुआ था, सहयोग का आयोजन शायद नहीं बताया, सहयोग काइजन भारत और किस देश के बीच में हुआ 2000 काइजन, सहयोग काइजन की बात करता हूँ 2023 में, ये 2024 में सैन्याभ्यास है, ठीक है, 2024 में सैन्याभ्यास, 2024 में सैन्याभ्यास, अरे याद हो रहा है कि नहीं, क्या आप सभी लोग को क्लास में ही चीजें याद हो रही है, बाबू मेरा एक मकसद होता आपको क्लास में चीजों को याद कराना, ठीक है, मेरा एक मकसद हो जाता। डेजर्ट साइक्लोन की बात करो तो भारत और किस देश के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन, अगर साइक्लोन पूछेगा भारत और किस देश के बीच में, साइक्लोन अभ्यास साइक्लोन किस देश के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन की बात करता हूं, डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में हो जाता है, डेजर्ट साइक्लोन पहली बार हुआ। तो अभ्यास अयोध्या की बात करता बच्चे ये थाईलैंड के साथ, अभ्यास अयोध्या की बात करता हूं तो भारत और थाईलैंड के साथ अभ्यास अयोध्या किया गया, सहयोग काइजन जापान के बीच में, सहयोग काइजन जापान के साथ, साइक्लोन की बात करता बच्चे याद रखा साइक्लोन की बात करता किस देश के साथ किया गया,
तो अगर बच्चे साइक्लोन अभ्यास की बात करता हूं तो ये कहां पर किया गया, साइक्लोन अभ्यास की बात करता हूं तो भारत और मिस्र के साथ। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। कभी कभी तो तुम तो मुझसे चलाक निकल जाते हो, ठीक है। जबकि डेजर्ट साइक्लोन 2023 में पहली बार किया गया, यूएई के साथ किया गया, और इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो यूएई के साथ इसका आयोजन बच्चे राजस्थान में किया गया। यूएई के साथ इसका आयोजन कहां पर किया गया, राजस्थान में किया गया, ठीक है, राजस्थान में किया गया। सादा तनसिक 2024, सादा तनसिक का अभ्यास, अगर पूछेगा हाल ही में सादा तनसिक, ठीक है, सादा तनसिक अभ्यास 2024, सादा तनसिक अभ्यास किस देश के बीच में, राजस्थान में किया गया। सादा तनसिक अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में, सादा तनसिक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया राजस्थान में। तो याद रखो बच्चे, ये सऊदी अरब के साथ हो जाता है, राजस्थान में हुआ। सादा तनसिक की बात करता हूं, ये सऊदी अरब के साथ किया गया, कहां पर किया गया बच्चे, राजस्थान में किया। कहां पर मेरे प्यारे लाल किया गया, राजस्थान में इसका किया गया। खंजर की बात करता हूं कहां पर, तो किर्गिस्तान के साथ, ये बकलोह में किया गया, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। खंजर अभ्यास, खंजर की बात करता हूं 2024, खंजर की बात करता हूं भारत किर्गिस्तान के साथ में बकलोह में, ठीक है, याद रखा, यह किर्गिस्तान के साथ हो जाता है, ठीक है, किर्गिस्तान के साथ। पूछेगा कहां पर हुआ, बकलोह, बकलोह करके जगह हो जाता है हिमाचल प्रदेश, बकलोह करके। 1 2 3 4 5 6 किसको किसको 6 का 6 याद था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 5, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 5, किसको किसको 6 का 6 याद था, किसको किसको बच्चे याद रहेगा 6 का 6 याद था, मैं 5 भी नहीं बोलूंगा, बताओ, 5 भी नहीं बोलूंगा, चलेगा, मैं 5 भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा 6 किसको किसको याद था। सर जो पुलिस का बैच लिया उससे बताए, बच्चे तुम बहुत ही लेट हो, ये सब बता दिया गया, ठीक है। तुम लग रहा है कि अब तुम्हारा नींद खुला, इतने दिनों से तुम आराम कर रहे थे क्या पेपर देने के बाद, हैं, रेस्ट मोड में चले गए थे, बोला कि सर ऑफर मिलेगा, पूछ रहा ऑफर मिलेगा, 3 याद था, नहीं बाबू रिंकू सिंह जी फिर 3 याद था तो गड़बड़ है ये बात, 7-8 दिन पहले पढ़ाया हूँ, जो पढ़ाया हूँ तो मुझे पता है ना, आपको पूरा याद होना चाहिए था, 6 का 6, चलेगा। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की बात करता हूँ बच्चे, पहली महिला स्नाइपर की बात करता हूँ, ये कौन बनी बच्चे, अदरगा सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी का संबंध हिमाचल प्रदेश से हो जाता है, ठीक है, सुमन कुमारी का संबंध ये मंडी हिमाचल प्रदेश से हो जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। जब भी बच्चे आपके लिए पहला शब्द महिला वगैरह, अगली बार जब क्लास में आऊँगा तो पहली 2024 में जितने भी 2023-23 में 2023-24 में जितने भी पहली महिला वगैरह वो सारी चीज़ कर देंगे, जैसे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार की सवाल वगैरह, ठीक है। किसको किसको 6 याद था बताना, तो उस सैन अभ्यास में किसको किसको 5 या 6 याद था बतेगा, 5 या 6, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सीमा सुरक्षा बल BSF की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी को बच्चे सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला साइबर स्पाइनर के रूप में बनी है, ठीक है। इन्होंने 8 कोर्स में सप्ताह में अपना कोर्स पूरा किया। हिमाचल प्रदेश के बच्चे मंडी जिले के रहने वाले हैं, वह 2021 में BSF में शामिल हुई थी, ठीक है, BSF में, चलेगा। हाल ही में चर्चा में रहा मेलोनोक्लो क्लाइमिस द्रौपदी, हाल ही में चर्चा में रहा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर याद रहेगा मेलोनोक्लेमिस द्रौपदी नामित किया गया किसी चीज को, ये क्या है। हाल ही में बच्चे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के मेलोनोक्लेमिस द्रौपदी नाम का कुछ नामित किया गया, ये क्या हो जाता है, एक मलेरिया रोधी दवा हो जाता, एक समुद्री प्रजाति हो जाती है कैंसर रोधी दवा। तो याद रखो बच्चे, हाल ही में एक समुद्री प्रजाति पाई गई जिसका नाम रखा गया बच्चे याद रखा, ये क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है मेलोनोक्लेमिस द्रौपदी, ठीक है, मेलोनोक्लेमिस द्रौपदी एक समुद्री प्रजाति हो जाती, ठीक है, चलेगा चलेगा। तो ये किसके द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर हो जाता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर बच्चे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता हूं, ZSI की बात करता हूं, ZSI की बात करता हूं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करता हूं, ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण बताएगा इसका गठन कब हुआ था, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करता हूं। बाबू ये सब ना करंट के साथ, ये क्लास क्यों मैं रामबाड़ क्लास बोलता हूं, 360 डिग्री क्यों बोलता हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता हूं, इसका गठन मेरे प्यार से 1 जुलाई, इसका गठन की बात करता कब होता,
तो 1 जुलाई 1916 को होता है, 1 जुलाई 1916 को होता। इसका जो मुख्यालय हो जाता है, हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, कोलकाता में हो जाता। इसका मुख्यालय कौन हो जाता? कोलकाता। इसकी अध्यक्ष 2022 में चुनी गई थी, जो पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ठीक है, जो पहली महिला अध्यक्ष भी थी। क्या नाम हो जाता बच्चे, याद रहेगा, धृति बनर्जी। तो इसकी पहली महिला डायरेक्टर की बात करता हूँ, निदेशक की बात करता हूँ, यह धृति बनर्जी करके बनी थी और पहली महिला थी, ठीक है। धृति बनर्जी की बात करता हूँ बच्चे, याद रहेगा, ये पहली महिला इसके निदेशक थी। धृति बनर्जी की बात करता हूँ, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक थी। इस बात की याद रहेगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक की याद रहेगा। यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चे? पर्यावरण मंत्रालय के, ये आपके अंतर्गत आ जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलेगा। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक, ठीक है, एसटीडीएस टग करके हो जाता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ओशन टग, एसटीडीएस टग, टग की बात करते हो जहाज की तरह बच्चे, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्वानंद सोनीवाल के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा, कोची शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा इसको बनाया गया। अरे बात कम कर लो सर, परिश्रम बैच एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा है। हाँ, एक बच्चे बोल रहे सर आप बहुत बच्चे अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, एक ही बच्चे को लग रहा अच्छा पढ़ाते हैं? आप डेली पढ़ो, आप अच्छा लगेगा, ठीक है, चलेगा। तो सर्वानंद सोनेवाल ने बच्चे अदरगा ओशन ग्रेस नामक एसटीडीएस टग का क्या किया बच्चे? ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है, चलेगा। तो ओशन ग्रेस मेड इन इंडिया एसटीडीएस टग, ये क्या होता है? बड़े जहाजों को खींचने वाली छोटी नाव। बड़े जहाजों को खींच, टग मतलब क्या होता है? खींचने के लिए। बड़े जहाज को खींचने वाली ये क्या हो जाती है? एक छोटी नाव वगैरह हो जाती है, ठीक है, बड़े जहाज को खींचने वाली छोटी नाव, याद रखा बच्चे, कोची शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का उद्घाटन कहां फेंकेगा? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने, अब आप लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो, अरे सर क्लास बताओ, क्लास क्यों नहीं? अरे बच्चे मैं वो थोड़े देख रहा है, क्यों नहीं चल रहा, मैं यहां से कैसे बता सकता हूं? मतलब कि जबरदस्ती को रहे कि सर बता ही दो, वो क्लास क्यों नहीं दिख रहा, बता ही दो, छोड़ दो सर, आप यहां पे मुझसे ये पूछना है तो ये मत पूछे बच्चे, आप ना, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, वो मुझे नहीं पता, नहीं दिख रही तो। दिख जाएगी, लेकिन नहीं दिख रही तो मैं कैसे, सर बता दो कि क्यों नहीं दिख रही है। अरे मैं क्या बताऊं नहीं दिख रही है? उसका मार, वह शर्मा रहा है, आपसे नहीं दिखना चाहता वो आपको, और मैं क्या बता सकता हूं, वो आपसे शर्मा रहा है, वो आपसे नहीं दिखना चाहता, वो घूंघट में अभी है, ठीक है, घूंघट से निकल जाएगा थोड़ी देर बाद, चलेगा। 8 बजे से बच्चे पुलिस में क्लासेज है आपकी, 8 बजे में जीके है, 9 बजे हिस्ट्री है, ठीक है, 10 बजे की बात करता हूं तो क्या है, 10 बजे क्या है, होगा कुछ 10 बजे मैथ है, ठीक है, चलेगा। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहां पे किया है? तो ध्यान रखे बच्चे, ये कहां पर किया है? तो ये किया है बच्चे नई दिल्ली में, ठीक है, ये कहां पर किया? तो नई दिल्ली में आपसे किया है, ठीक है, नई दिल्ली में आपसे किया है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी किएगा? ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक की बात करता हूं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किएगा, ठीक है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक की बात करते बच्चे याद रखा, किसके द्वारा? UNEP के द्वारा बच्चे याद रखा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट की बात करते हो किसके द्वारा? तो ध्यान रखिए बच्चे, ये UNEP के द्वारा किया गया। अब UNEP क्या हो जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता बच्चे याद रखा, UNEP की बात करता हूँ, UNEP का मुख्यालय बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बताएगा इसका गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करता हूं। संयुक्त राष्ट्र बच्चे, आप बच्चे बस मुख्यालय बता दीजिए, पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करता हूं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करता हूं। तो याद रखा 5 जून 1972 को गठन हुआ था, इसीलिए 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, इसका गठन की बात करता कब हुआ था? 5 जून 1972 को, ठीक है, इसी दिन गठन हुआ था, ठीक है,
इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करता हूँ, नैरोबी। किस देश की राजधानी नैरोबी में? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी बच्चे नैरोबी में इसका गठन हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक बच्चे याद रहेगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में बच्चे याद रहेगा। ये छठी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम बच्चे याद रहेगा, पर्यावरण कार्यक्रम में इसको जारी किया गया था, इस बात को याद रहेगा, ठीक है। चलिए पर्यावरण के मुद्दों को देखने के लिए, अगर पूछता बच्चे पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता, हर साल एनवायरमेंट डे की बात करता हूँ, हर साल पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता, ये तो सबको पता होगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन आपसे सवाल पूछ दूंगा, 2023 में पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था, बताएगा। तो एनवायरमेंट डे की बात करता, ठीक है, एनवायरमेंट डे, हर साल एनवायरमेंट डे की बात करता हूँ, मनाया कब जाता। देखो 1972 में यूएनईपी गठन हुआ था, तो इसलिए 5 जून को याद करते हुए हर साल जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता 5 जून को मनाया जाता, कब मनाया जाता 5 जून को। लेकिन इससे पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार की बात करता हूँ 1974 में मनाया गया था, पहली बार 1974 में मनाया गया था, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था 1974 में। पर्यावरण दिवस 2023 का थीम की बात करता हूँ, पर्यावरण दिवस 2023 थीम की बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन जो थीम था, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करता हूँ, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है, याद रखा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। मैंने आपसे पूछा बच्चे मेजबान देश कौन सा था, मेजबान देश कौन सा था, पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबान देश पूछा मैंने, पर्यावरण दिवस 2023 का अगर बच्चे मेजबान देश की बात करते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा रिलेट करके पढ़ना, आप यही काम नहीं करते हो, रिलेट करके पढ़ना, मतलब एक पॉइंट को आप उठाते हो तो आपका कनेक्ट होते जाना चाहिए, ठीक है, कनेक्ट होते जाना चाहिए। तो मेजबान देश की बात करता हूं, कोटे डी आईवर नीदरलैंड के साथ मिलकर ये था। गुरुदेव करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते माइंड हिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको पता तो चला कि आपके पास माइंड हो चाहे हिल ही गया, पता तो चला आपके पास माइंड हो चाहे वो हिल ही गया, डुल ही गया, लेकिन ये तो एक बात कंफर्म हो गया कि है आपके पास माइंड, ठीक है, अच्छी बात है, इस बात के लिए खुशी मनाइए, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते बच्चे, तो रिलेट करके पढ़ा कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा ये आदिति योजना का संबंध किससे हो जाता, हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित हो जाती है, हाल ही में चर्चा में रहा आदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता, हाल ही में चर्चा में रहा आदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता। तो याद रखा बच्चे, ये डेफ कनेक्ट 2024 हुआ, वहां पे बच्चे याद रहेगा रक्षा के क्षेत्र में हो जाता है, ये बच्चे याद रहेगा राजनाथ सिंह के द्वारा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बच्चे आपको लॉन्च किया गया, ठीक है, चलेगा। अब कुछ वन लाइनर के तौर पे देखते हैं बच्चे, वन लाइनर के तौर पे देखते हैं, भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 मनेगा। अच्छा, आप लोग को लगता होगा ना कि जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, देखो ये जो टाइम टेबल आप लोग के लिए बनाया गया हूँ, पूरा का पूरा तो टाइम टेबल मैंने बनाया, ठीक है, तो जो आपके लिए टाइम टेबल बनाया जाता है, तो आपको लगता है फिर विवेक सर को बनाकर भेज जाता है टाइम टेबल ना, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल मैं तो बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले ही लो। देखो ये क्या हो जाता बच्चे, ये किसका टाइम टेबल हो जाता है, यूपी पुलिस री एग्जाम का, सुबह में 8 बजे से लेकर शाम में 5:30 बजे तक, ठीक है, 5:30 बजे तक। इसमें मेरी क्लास आपको 2 से 2.5 मिलेगा, आधे घंटे इनफ है आपको, जितना कराऊंगा, 45 दिन में भी बाहर नहीं गया था, ठीक है, ये पूरा का पूरा पुलिस वाला टीम, ठीक है। अभी 8 बजे से विवेक सर की क्लास होगी यहाँ पर, ठीक है, तो 2 बजे जो मैप स्पेशल की क्लास चलती थी वो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, 3 बजे से कर लेंगे मैप स्पेशल, ठीक है। फिर इसके बाद की बात करता हूँ, ठीक है, तो अच्छा आप लोग बताइएगा ये बनने में, एक आइडिया लगाइए कि बनने में कितना समय लगा होगा टाइम, फिर इसके बाद UPSI की, रेलवे फाउंडेशन की, SSC फाउंडेशन, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं क्या, आप लोग को लगता है कि जो बन के आ जाता है बहुत जल्दी ही बन जाता है, एक आइडिया लगा सकते हैं क्या कितने देर में बन गया होगा, ये कितना टाइम लगा होगा बताइए, तो
आप आइडिया नहीं लगा सकते बच्चे, पता है इस टाइम टेबल को बनाने के लिए संडे को 2.5-3 घंटा लगा था, और कल एप्लीकेशन पे मेरी क्लास की इसीलिए भी नहीं ले पाया था, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक एक फाइनल हुआ, तो लगभग 7-8 घंटा लगा ये सारी चीज़ें बनाने में। ठीक है, मेहनत की जाती है आपके लिए बैंक में, तो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से किया करो। ठीक है, चलेगा। टेस्ट चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 पे चल रहा अभी वर्तमान में, ये पूछे जाने की चांस नहीं है, लेकिन ये पूछे जाने की आपकी चांस नहीं है, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा था? हाल ही में श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनेगा, श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। देखो, अगर आपसे गीता महोत्सव जो मनाया जाता कहाँ पे मनाया जाता बच्चे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ध्यान रहेगा। गीता महोत्सव जो फेस्टिवल मनाया जाता, ये बच्चे कहाँ पर, ये आपके कुरुक्षेत्र, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव मनाया जाता, ठीक है। अभी कहाँ पे, श्रीलंका मनाया गया, जबकि अप्रैल 2022 में भी गीता महोत्सव, बड़ा 30 सेकेंड लगेगा, हाँ हाँ तुम्हें 30 सेकेंड तो लग ही जाएगा, ज़रूरत है तुम्हें हमारी, मतलब कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ अप्लाई कर लो यहाँ के लिए, 30 सेकेंड में बना देगा टाइम टेबल, आधे घंटा तो टीचर लोग को मनाने में लगेगा तुम्हें, ये 2 घंटा फिर ये सर आप इस समय क्लास ले लो। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की बात कर तो मनाएगा। अब श्रीलंका में जुलाई में बच्चे, अप्रैल की बात है, अप्रैल में बच्चे ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, अप्रैल 2023 में बच्चे कहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में बच्चे फलेटी टेवो तुवालु देश का, तुवालु देश तो तुवालु करके एक देश हो जाता, पहली बार नाम सुने ना, तुवालु करके कोई देश हो जाता, तो फलेटी टाओ करके तुवाली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तुवालु देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तुवालु फलेटी, तुवालु तुवालु फलेटी, तुवाली टेवो, तुवाली टेवो, तो आलू से याद रहेगा, तू आलू, आलू क्या हो गया, तवा पे रखे एकदम जल कर फट गया, तू आलू, आलू को क्या रखे, तवा पे रखे जल कर एकदम फट गया। सर नंबर दे दिया जी अपना, प्लीज नंबर क्या, कॉलिंग टीम से बात कीजिए कि संजीत सर से बात करनी है। ठीक है, चलेगा। तुवाली टेवो, तुवाली टेवो की बात करता हूं, फलेटी टेवो, ठीक है, तू आलू ऐसे रखो ना, तुमने आलू को रखा कहां पर, कहीं पे रखा वो फट गया, ठीक है, तवे पे रखा फट गया, ठीक है, जलोल के, तो अब इसे तो नहीं भूलोगे, पेपर तक अगर तुवालु पूछेगा तब तो नहीं भूलोगे, ठीक है, तुवालु फलेटी, चलेगा। हाल ही में बच्चे निकारगुआ, अच्छा निकारगुआ की सुंदर बालिका का नाम बता सकते हो क्या, निकारगुआ की सबसे सुंदर बालिका का नाम बता सकते हो क्या, सबसे सुंदर बालिका का नाम, बोलोगे सर ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैंने पूछा निकारगुआ की सबसे सुंदर बालिका का नाम बता सकते हो, लड़के तुम बता दो, तुम तो ध्यान रखे रहोगे इस बात वगैरह पे, तो निकारगुआ की सबसे सुंदर बालिका, अब उल्टा पुल्टा मत सोचना, उस सुंदर बालिका का क्या नाम है, निकारगुआ के सुंदर बालिका का क्या नाम है जिसे मिस यूनिवर्स 2023 बनी थी, तो मिस यूनिवर्स जो 2023 थी वो निकारगुआ की थी, मिस यूनिवर्स जो 2023 थी बच्चे याद रखिएगा कहाँ पे थी, निकारगुआ की थी। हाँ देखो सब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे समझ गए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ गए कि संजीत सर जाना कहाँ पे चाहते थे, ठीक है, तो याद रखो बच्चे ये आपके हो जाते हैं। तो हाल ही में निकारगुआ भारत में फार्मा मानकों को बच्चे मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश बना, ठीक है, निकारगुआ की बात करता हूँ, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला बच्चे याद रहेगा कौन सा देश बना, तो पहला बच्चे याद रहेगा ये स्पेनिश देश बना निकारगुआ, ठीक है, पहला स्पेनिश देश बना निकारगुआ, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। चलेगा, निकारगुआ के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने बच्चे याद रहेगा, निकारगुआ के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने कमेंट करके बताएगा, हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने निकारगुआ के, चलेगा। तो यहां के निकारगुआ की अगर राजधानी की बात करते बच्चे याद रहेगा, लिख लीजिएगा निकारगुआ की राजधानी क्या हो जाती है, निकारगुआ की राजधानी, तो निकारगुआ की राजधानी मुद्रा, क्योंकि ये चर्चा में थोड़ा देश आ गया, निकारगुआ की राजधानी, आज राजधानी मुद्रा थोड़ा ज्यादा ही हो गया, निकारगुआ की राजधानी की बात कर लेता हूं तो क्या हो जाता है, तो निकारगुआ की राजधानी मानागुआ करके हो जाता है, कोरडाबा करके इसकी मुद्रा हो जाती है, मानागुआ, मानागुआ बच्चे याद रखा, और इसकी जो मुद्रा की बात करता हूं बच्चे कोरडोबो, कोरडोबो करके, ठीक है, कोरडोबो करके, ठीक
को डूबा करके क्या हो जाती है, इसकी मुद्रा हो जाती है। और यहाँ के निकारगुआ के हाल में तो डेनियल ओर्टेगा करके यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, डेनियल ओर्टेगा राष्ट्रपति बने, ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2023 की बात करता हूँ, कौन बनी है, मिस यूनिवर्स इसको बोलते हैं रिलेट करके पढ़ना, मिस यूनिवर्स 2023। देखो निकारगुआ जैसे या मेरा ध्यान तुरंत कहाँ पर गया बच्चे, मिस यूनिवर्स से। तो मिस यूनिवर्स 2023 की बात करते बच्चे कौन बनी, सेनिस प्लासियोस बनी, ठीक है, याद रहेगा सेनिस प्लासियोस की बात करता हूं, ये बच्चे आपके निकारगुआ के हैं, ठीक है, निकारगुआ। और 2022 कौन बनी है, तो आर बोनी गैब्रियल बनी है अमेरिका के, आर बोनी गैब्रियल अमेरिका के बनी है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति पाएगी, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने बच्चे याद रहेगा ऑनलाइन फेक न्यूज और डीप फेक को निपटने के लिए शक्ति के साथ समझौता किया, ठीक है। शक्ति क्या हो जाती है, तो शक्ति कोई संगठन वगैरह है, इसके साथ समझौते क्या, उड़ीसा के कटक के प्रसिद्ध चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला, ठीक है। उड़ीसा के कटक के प्रसिद्ध बच्चे याद रहेगा चांदी तरकासी को क्या दिया गया, जीआई टैग मिला। उड़ीसा के प्रसिद्ध याद रहेगा बच्चे, उड़ीसा के प्रसिद्ध चांदी तरकासी को बच्चे क्या देगा, जीआई टैग देगा। तो आप इससे भी ध्यान रखेगा, ठीक है, आप इससे भी ध्यान रखेगा, चलेगा। और सबसे पहले तो बताइए बच्चे क्लास कैसी लगी, हाँ आज रिवीजन वाला सेक्शन नहीं ले पाया बच्चे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी बच्चे कमेंट करके देगा, कल से थंबनेल वगैरह चेंज हो जाएगा, तो क्लास ये ना हो कि खोजने में आपको समय लगेगा। अच्छा टाइम से क्यों नहीं आ पाते भैया, बताइएगा आप क्लास में टाइम से क्यों नहीं आ पाते हैं, कल आप लोग को होमवर्क दिया था कल आप लोग को बच्चे, कल आप सभी साथियों को मैंने होमवर्क दिया था, किस किसने होमवर्क किया था अभी आपको इस क्लास में चेक कर लेते हैं, किस किसने, एक बार वंडरफुल क्लास। तो ये बच्चे कल की क्लास थी तो यहाँ पे लगभग 15-16 हज़ार बच्चे ने देखा, और इस क्लास में देखते हैं कि कितने लोगों ने होमवर्क दिया, ठीक है, कितने बच्चे ने इस होमवर्क का जवाब दिया है, ठीक है। तो देखो जो होमवर्क दिया था, होमवर्क पहला इनाम अच्छा मिल गया राकेश, ठीक है, राकेश करके हो जाते बच्चे, इन्होंने पूरा का पूरा कुछ नाम दिया था, जैसे कि रघुवर दास गवर्नर ऑफ उड़ीसा, जॉर्जो मिलानी, ये सारी चीज़ इन्होंने किया, फिर राजधानी मुद्रा दिए थे, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो देखो राकेश भाई करके हो जाते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने 5 मिनट का समय दिया, बहुत अच्छे से होमवर्क इन्होंने किया है। अगला सवाल बच्चे अदरगा सुजीत जी करके हो जाते, इन्होंने नाइस सेशन बोला, नाइस सेशन वगैरह बोला, ठीक है, थैंक यू डियर, जो नाइस सेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गया है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, मिल गया खोया नहीं करते हैं, चलिए अच्छी बात है, हाँ चलेगा। इन्होंने पूरा लिखा कुंचिकल जलप्रपात के बारे में, जो बोला गया वो पूछ ले तो अच्छी बात है। टुडे होमवर्क करके तानिया गुप्ता करके हो जाती हैं, इन्होंने भी तानिया गुप्ता ने ये दिया है, और ये 360 डिग्री वाले क्लास के लिए प्यार भी भेजा है, ठीक है, ये नाइस क्लास साइंस क्लास, ये करके कोई हो जाते हैं शानदार यूजर, शानदार एंड लाजवाब सर, फूड डिटेल से पढ़ा रहे, थैंक यू डियर, ठीक है सर, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, एक बार दिल भेज दो, ठीक है, एक बार दिल भेज दो, सभी लोग क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और अभी फिर से आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है ना कि कितने बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया है, कितने बच्चों ने, ये कमेंट है बस 105, ये कमेंट 105 है, आज ये कमेंट 500 होना चाहिए, ठीक है, ये कमेंट आज आपको 500 होना चाहिए। अब बच्चे मैं देता हूँ आज का होमवर्क, ठीक है, आज का होमवर्क देता हूँ। तो आज का होमवर्क की बात करता हूँ, आज मैंने कुछ सैन्य अभ्यास कराया, ठीक है, आज मैंने बच्चे याद रखा कुछ सैन्य अभ्यास कराया, अगर जो भारत में हुआ आप उसे जरूर लिखेंगे कि भारत में हुआ, ठीक है, याद रखा कुछ सैन्य अभ्यास कराया, तो उसके में बताएगा बच्चे याद रखा साइक्लोन की बात करता हूं, अभ्यास साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, अभ्यास साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन की बात करता हूं, ठीक है, सहयोग काइजन की बात करता हूं, ठीक है, अयोध्या की बात करता हूं, सादा तंसिक की बात करता हूं, सादा तनसिक की बात करता हूँ, ठीक है, सादा तनसिक की बात करता हूँ,
कुछ पर्सनालिटी का नाम लिया, जैसे कि बच्चे याद रखा मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू लिया, ठीक है, पुष्प कमल दहल, श्रेथा थविसिन, हुन मनेट, ठीक है, हुन मनेट, और कौन सा, इमैनुअल मैक्रोन। आप लोग को ना थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने वाला वैसे काम करते जा रहा हूं, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, कौन सा बच्चे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। अभी सारे वो जो बच्चे हैं, विकास जी आपके कमेंट वगैरह को देख लेता हूँ, क्यों टेंशन लो। फिर बच्चे राजधानी मुद्रा, राजधानी मुद्रा अभी मैं बताऊंगा कैसे कीजिए। एक बच्चे ने देखो कितना अच्छे से होमवर्क दिया है, राजधानी मुद्रा नेपाल, फ्रांस, निकारगुआ, ठीक है, निकारगुआ करके हो गया, बांग्लादेश करके हो गया, थाईलैंड करके हो गया, ठीक है, मलेशिया करके हो गया, ठीक है, मलेशिया करके होगा। ये आप लोग होमवर्क दीजिएगा और देखिए कि किस तरीके से इस बच्चे ने होमवर्क दिया, ठीक है, इस बच्चे ने बच्चे होमवर्क दिया है। सबसे पहले वाला होमवर्क देखो, इस बच्चे ने जो भी राकेश करके हो जाता है, देखो कितना अच्छे से, ठीक है। अब बच्चे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जिस क्लास को देख रहे हो उसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चे यहाँ पे द गोल्डन आर्मी करेंट अफेयर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। और हाँ, जो बच्चे मैप स्पेशल नहीं लिया, अब बच्चे डेमो वगैरह कुछ नहीं चलेगा, एप्लीकेशन पे क्लास आपका मैप चालू हो गया। तो मैप देखो मैं यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा ही मैं बेसिक करा देता हूँ, बाकी आप वहाँ पे जुड़ोगे तो मैप तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ना बच्चे, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, तो मैप स्पेशल के लिए बच्चे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, मैप स्पेशल के लिए आप यहाँ से बच्चे ₹99 में मैप स्पेशल के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो बेसिक, अब तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। पुलिस री एग्ज़ाम की बात करता हूँ बच्चे, अदरगा पुलिस री एग्ज़ाम दोबारा बैच, ये आपको यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट रहा, सर हमने पहले वाले में लिए थे एक्सेस दिया जाएगा, हाँ जी दिया जाएगा, आपको दिख रहा होगा। एक बड़ा चैनल है तो पीडीएफ क्यों नहीं देते, पीडीएफ तुम्हारे घर पे आकर दे दूँ। ओ रोहित कुमार, कौन सा तुम्हें पीडीएफ नहीं मिलता है, कौन सा तुम्हें पीडीएफ नहीं मिलता है, एड्रेस दे दो घर पे पहुंचा दूंगा, एड्रेस दे दो घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है, चलेगा। और बाकी बच्चे याद रहेगा, आप बच्चे याद रहेगा आरपीएफ एसआई की तारीख करें तो आरपीएफ एसआई की बात करता हूं बच्चे, तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं गार्जियन बैच। अच्छा, आरपीएफ एसआई की यूट्यूब के जीके जीएस की क्लास कितने बजे से मैं स्टार्ट किया हूं, एक बार कमेंट करके बता दो। आरपीएफ एसआई का जीके जीएस की क्लास कितने बजे स्टार्ट किया हूँ बताना तो जरा, किसको किसको पता है आरपीएफ एसआई की मैंने जीके जीएस की क्लास कितने बजे किया हूँ स्टार्ट, कितने बजे कल लिया था क्लास। सर मिशन वर्दी वाले को फ्री में मिलना चाहिए, हाँ एकदम लाइफ टाइम वैलिडिटी करवा लो, ठीक है, बताइए कितने बजे, जल्दी से कमेंट कमेंट कमेंट। और जितना भी होमवर्क है होमवर्क, और जितने बच्चे एकदम पहले क्लास में जुड़ जाया करो, ठीक है, पहले क्लास में जुड़ जाया करो, ठीक है, एकदम शुरू से। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, और मिलते बच्चे सुबह में 10 बजे। अभी क्या होंगे 10 बजे शानदार 30 GK GS के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।